50-60 साल से एक रिसर्च चल रही थी जो अमेरिका में है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कि एक कुछ लोगों के जो कि स्कूल टाइम से लेके वो 70-80 साल 90 साल तक जब तक हो गई रिसर्च चल रही थी कि उनके पूरी जीवन प्रणाली इतने 50-60-70-80 साल तक देखा गया, पूरा उनका एक एक दिन से मतलब पूरा निष्कर्ष निकाला गया। आखिर में देखा गया उन 60-70 साल की जिंदगी में जिनके आपस में रिलेशनशिप अच्छी थी वो खुश हुए, जिनके रिलेशनशिप अपने रिश्तेदारों से अपने परिवार वालों से अच्छे नहीं थे वो दुखी रहे। आप देखिए, हम कहते हैं हेल्दी बनो, गुड हेल्थ होनी चाहिए, गुड एजुकेशन होना चाहिए, गुड बिजनेस होना चाहिए, इतना पैसा धन दौलत होनी चाहिए, लेकिन सब बेकार है। अगर हम खुश नहीं हैं, हम खुशी के लिए अच्छे रिश्ते रिलेशनशिप होना जरूरी है। देखिए, एक माँ बेटे में, पति पत्नी में, सास बहू में, जितने सॉलिड रिश्ते होंगे, अच्छे साउंड रिश्ते होंगे, उतने ही हम सुखी होंगे। देखिए, एक आतंकवादी होता है, वो कितना हेल्दी होता है आप देखिए, लेकिन क्या आप सोच रहे हैं वह सुखी है? बिल्कुल नहीं, उसको मेंटल पीस बिल्कुल नहीं है। वो कभी कहेगा मेरा कंधा दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है। हम घर में ये कहते हैं, आज मेरी ये लेफ्ट पैर में बहुत दर्द है, मेरा सिर दुख रहा है, हमारे समय ही कहते रहते हैं। लेकिन अगर हमारे रिलेशन अच्छा है, कोई ना कोई आके पूछे कहेगा कि ला तेरे मूव लगा तू, गर्म चाय दे दू जिससे गला ठीक हो जाए। इसलिए कहते हैं रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, नो मैटर कि हमारे पास पैसा कम हो ज़्यादा हो, बिजनेस ज़्यादा ना चल रहा हो, लेकिन हमारी जिंदगी में शांति हो, सुकून हो, चंद घंटे हम प्रेम से बैठे आपस में बात करें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, तो यही सच्चा सुख है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी, आप बात कर रहे हैं किससे? विनीता जी से। मैं हमेशा कहती हूँ जिंदगी में पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल नेगेटिविटी हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। दूसरों से प्रेम करें, हमेशा अपने गुड थॉट्स उनको दें जिससे कि रिलेशंस अच्छे बने। अपने जो विचार है ना वो दूसरों पे ला देनी। अगर हम कोई बात तो उनको अच्छी बात बताना भी चाहते हैं अपने तरीके से बताएं, अगर हमें लगे वो बोर हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए हट जाइए, फिर समय जब भी मौका मिले फिर समझाइए जिससे कि हमारे रिलेशंस में दरार ना पड़े, साउंड बनाइए अपने रिश्तों को। बस ये कहना चाहूंगी, ये कह इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं एक चीज ऐड अप करना चाहूंगा, उस स्टडी के अंदर 900 से 1000 लोग करीब थे, एंड ऑफ जब 80-90 साल के हो गए थे सब, एक फेयरवेल टाइप था जहाँ पे सब आए थे, एंड वो लोग जिनके अच्छे रिलेशनशिप वगैरह नहीं थे वो रो रहे थे और हंस रहे थे एक ही टाइम पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो समझ गए कि हमने क्या मिस आउट किया है। हाँ, पूरी जिंदगी में क्या खोया क्या पाया। इन्हीं सब ज्ञानों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज।